Hello everyone, good morning. I hope you all are fine. Today's subject, English revision worksheet. Today's topic, phonics of ID or IT. जो हमने हमारे टेक्सबुक में लर्न कर लिया है, आज वो हम हमारी रिवीजन वर्कशीट में लर्न करेंगे. तो चलो हम आपको मुझे बताना है हमारे वोवल्स कौन कौन से हैं. A, E, I, O, U. चलो अब आज हम क्या लर्न कर रहे हैं, फोनिक्स ऑफ आई डी और आई टी वर्ड्स. लास्ट में हमने ई डी एंड ई एन हमारी रिविजन वर्कशीट में लर्न किया था. तो आज हम हमारी रिविजन वर्कशीट निकालेंगे. सबसे पहले पेज नंबर 7, यहाँ पे सबसे पहले सी डॉट डब्ल्यू डाल देंगे और यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर देंगे, फोनिक्स ऑफ आई डी और आई टी. तो हमें यहाँ पे रीड करना है. देखो यहाँ पे आई डी के आई डी की, यहाँ पे किड का पिक्चर है, एल आई डी लीड, यहाँ पे लीड का, यहाँ पे हमने और वर्ड्स दिए हैं, बी आई डी बी, डी आई डी डी, एच आई डी ही, आर आई डी रीड. और यहाँ पे है आई टी, पी आई टी पीड, एस आई टी सीट, यहाँ पे पीट का पिक्चर, और यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे चेयर पे बैठा है, तो एस आई टी सी. और भी वर्ड्स है, बी आई टी बी, एफ आई टी फीट, एच आई टी हीट, के आई टी किट. यहाँ पे देखो इसका सेंटेंस बनाए हैं, अ किड ऑन अ लीड, यानी कि किड है लीड के ऊपर है, अ किड इन अ पीट, एक किड है वो पीट के अंदर, इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर. ये हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हमें पेज टर्न करना है. और हमारा पेज नंबर 8 है, वो भी आज हम लर्न करेंगे. यहाँ पे सी डॉट डब्ल्यू और यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर लेंगे. मेक डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स की ऑन द फेंस. ईच वर्ड शुड हैव द लेटर्स गिवन इन द सेंटर, वन हैज बीन डन फॉर यू. यानी कि इसने बोला है, यहाँ पे बोला है हमें वन, यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे करके बताया वैसे ही हमें सारे करने हैं. यहाँ पे देखो एफ लिया और यहाँ से आई इन, तो हमें अब बी लेना है और यहाँ से आई इन, बी आई एन बी, फिर डब्ल्यू आई एन विन, पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, टी आई एन टिन. ऐसे ही हमें, आपको पता ही है हमने आगे भी ऐसा लर्न किया था. फिर यहाँ से डी आई जी डी, जे आई जी जीग, पी आई जी पी और डब्ल्यू आई जी वी, ये दोनों भी हम कंप्लीट कर लेते हैं. एल आई टी लीड, एस आई टी सीट. चलो ये मैंने इतना करवाया, आपको ऐसे ही पी आई टी पीट, एच आई टी हीट, के आई टी किट यहाँ पे लिख देना. और लास्ट वाला भी जेड आई पी जिप, टी आई पी टिप, एल आई पी लिप, डी आई पी डिप, एच आई पी हिप, एस आई पी सिप. ऐसे ही यहाँ पे वर्ड्स बना के लिख देना है. तो आपको अच्छे से आई डी और आई टी वर्ड्स लर्न करने हैं, यानी कि रिवाइज करना है. थैंक यू, बाय बाय.